यूपी के हरदोई में इज्जत के खातिर अपनी बहन के प्रेमी की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। अपनी बेटी पर पाबंदी लगाने के बावजूद भी प्रेमी से मिलने की बात से पिता और भाई दोनों आग बबूला हो गए, जिस पर दोनों ने लड़की के प्रेमी का बेरहमी से कत्ल किया और शव को दूसरे जिले में फेंक दिया। मुझे यही थी कि लड़का हमारी बहन के पीछे पड़ा था 6 महीने से। हमने 2 बार उसको वार्निंग भी दी, माना नहीं। तीसरी बार हमारे घर में घुसाया था, जबरदस्ती करने लगा, बहन को खींच रहा था, उसी में हमने उसको मारा। गोविंदा नामक युवक था, 22 वर्षीय युवक, जो कि अशरफ टोला का रहने वाला दिलीप सिंह का लड़का था। 2 तारीख को सडीला से गायब हुआ था और उसकी डेड बॉडी 3 तारीख को संदरा क्षेत्र मिली थी, सीतापुर में। इस पूरे घटना का अनावरण सडीला पुलिस ने किया है। उसमें अनावरण में पता चला है कि उसकी गुप्ता फैमिली, उसकी लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, वही सडीला की, और बहुत मना करने के बावजूद अगर वो नहीं मान रहा था, इस बाबत से लोगों ने उसको पकड़ करके मारा पीटा और मार करके संदरा में फेंक दिया। इस पूरे घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, हरिराम और ज्ञान प्रकाश और वेद प्रकाश की, और साथ ही साथ रिकवरी हुई है। उसमें हत्या में जो प्रयोग के भाका था और जिस पिकअप से उसको लाद करके ले गए थे, जिस बोरे में भर के ले गए थे, उसका आधार कार्ड और पर्स, जला हुआ पर्स जो बरामद हुआ है।